और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित कर रहे हैं। भारत कई प्रतिमाओं और कलाकृतियों को वापस लाने में सफल रहा है। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की वापसी के साथ एक संयोग ये भी जुड़ा है कि कुछ दिन पूर्व ही वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक संस्कृति प्रेमियों के लिए पुराने समय में वापस जाने, उनके इतिहास के अहम पड़ावों को पता लगाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। कोरोना कालखंड के बावजूद भी इस बार हमने इनोवेटिव तरीके से लोगों को ये हेरिटेज वीक मनाते देखा। क्राइसिस में कल्चर बड़े काम आता है, इससे निपटने में अहम भूमिका निभाता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कल्चर एक इमोशनल रिचार्ज की तरह काम करता है। आज देश में कई म्यूजियम्स और लाइब्रेरी अपने कलेक्शन को पूरी तरह से डिजिटल बनाने पर काम कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय ने इस संबंध में कुछ सराहनीय प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा करीब 10 वर्चुअल गैलरीज इंट्रोड्यूस करने की दिशा में काम चल रहा है। है न मजेदार, अब आप घर बैठे दिल्ली के नेशनल म्यूजियम गैलरीज का टूर कर पाएंगे, जहां एक ओर सांस्कृतिक धरोहरों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाना अहम है, वहीं इन धरोहरों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहा था। नॉर्वे के उत्तर में स्वालबार्ड नाम का एक द्वीप है। इस द्वीप में एक प्रोजेक्ट आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव बनाया गया है। इस आर्काइव में बहुमूल्य हेरिटेज डेटा को इस तरह से रखा गया है कि किसी भी प्रकार के प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावित न हो सके। अभी हाल ही में यह भी जानकारी आई है कि अजंता गुफाओं की धरोहर को भी डिजिटाइज करके इस प्रोजेक्ट में संजोया जा रहा है। इसमें अजंता गुफाओं की पूरी झलक देखने को मिलेगी। इसमें डिजिटलाइज और रिस्टोर पेंटिंग के साथ साथ इससे संबंधित दस्तावेज और कोट्स भी शामिल होंगे। साथियों, महामारी ने एक और जहां हमारे काम करने के तौर तरीकों को बदला है, तो दूसरी ओर प्रकृति को नए ढंग से अनुभव करने का भी अवसर दिया है। प्रकृति को देखने के हमारे नजरिए में भी बदलाव आया है। अब हम सर्दियों के मौसम में कदम रख रहे हैं, हमें प्रकृति के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट चेरी ब्लॉसम की वायरल तस्वीरों से भरा हुआ है। आप सोच रहे होंगे, जब मैं चेरी ब्लॉसम की बात कर रहा हूं तो जापान की इस प्रसिद्ध पहचान की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जापान की तस्वीरें नहीं है, ये अपने मेघालय के शिलोंग की तस्वीरें हैं। मेघालय की खूबसूरती को इन चेरी ब्लॉसम्स ने और बढ़ा दिया है। साथियों, इस महीने 12 नवंबर से डॉक्टर सलीम अली जी का 125वां जयंती समारोह शुरू हुआ है। डॉक्टर सलीम ने पक्षियों की दुनिया में बर्ड वॉचिंग को लेकर उल्लेखनीय कार्य किया है। दुनिया के बर्ड वॉचर्स को भारत के प्रति आकर्षित भी किया है। मैं हमेशा से बर्ड वॉचिंग के शौकीन लोगों का प्रशंसक रहा हूं। बहुत धैर्य के साथ वो घंटों तक, सुबह से शाम तक बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, प्रकृति के अनूठे नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं और अपने ज्ञान को हम लोगों तक भी पहुंचाते रहते हैं। भारत में भी बहुत सी बर्ड वॉचिंग सोसाइटी सक्रिय है। आप भी जरूर इस विषय के साथ जुड़िए। मेरी भागदौड़ की जिंदगी में मुझे भी पिछले दिनों केवड़िया में पक्षियों के साथ समय बिताने का बहुत ही यादगार अवसर मिला। पक्षियों के साथ बिताया हुआ समय आपको प्रकृति से भी जोड़ेगा और पर्यावरण के लिए भी प्रेरणा देगा। मेरे प्यारे देशवासियों,
भारत की संस्कृति और शास्त्र हमेशा से ही पूरी दुनिया के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं। कई लोग तो इनकी खोज में भारत आए और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए, तो कई लोग वापस अपने देश जाकर इस संस्कृति के संवाहक बन गए। मुझे जॉनस मसेटी के काम के बारे में जानने का मौका मिला, जिन्हें विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जॉनस ब्राजील में लोगों को वेदांत और गीता सिखाते हैं। वे विश्व विद्या नाम की एक संस्था चलाते हैं जो रियो डी जेनेरो से घंटे भर की दूरी पर पेट्रोपोलिस के पहाड़ों में स्थित है। जॉनस ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी में काम किया। बाद में उनका रुझान भारतीय संस्कृति और खासकर वेदांत की तरफ हो गया। स्टॉक से लेकर के स्पिरिचुअलिटी तक वास्तव में उनकी एक लंबी यात्रा है। जॉनस ने भारत में वेदांत दर्शन का अध्ययन किया और 4 साल तक वे कोयम्बटूर के आर्ष विद्या गुरुकुलम में रहे। जॉनस में एक और खासियत है, वह अपने मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। वह नियमित रूप से ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं, वे प्रतिदिन पॉडकास्ट करते हैं। पिछले 7 वर्षों में जॉनस ने वेदांत पर अपने फ्री ओपन कोर्सेज के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। जॉनस न केवल एक बड़ा काम कर रहे हैं बल्कि उसे एक ऐसी भाषा में कर रहे हैं जिसे समझने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। लोगों में इसको लेकर काफी रुचि है कि कोरोना और क्वारंटाइन के इस समय में वेदांत कैसे मदद कर सकता है। मन की बात के माध्यम से मैं जॉनस को उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इसी तरह अभी एक खबर पर आपका ध्यान जरूर गया होगा। न्यूजीलैंड में वहां के नवनिर्वाचित एमपी डॉक्टर गौरव शर्मा ने विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा में शपथ ली है। एक भारतीय के तौर पर भारतीय संस्कृति का यह प्रसार हम सबको गर्व से भर देता है। मन की बात के माध्यम से मैं गौरव शर्मा जी को शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी की कामना है वो न्यूजीलैंड के लोगों की सेवा में नई उपलब्धियां प्राप्त करें। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 30 नवंबर को हम श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मनाएंगे। पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैंकूवर से वेलिंगटन तक, सिंगापुर से साउथ अफ्रीका तक उनके संदेश हर तरफ सुनाई देते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सेवक को सेवा बन आई, यानी सेवक का काम सेवा करना है। बीते कुछ वर्षों में कई अहम पड़ाव आए और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला। गुरु साहिब ने हमसे सेवा ली। गुरु नानक देव जी का ही 550वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व, अगले वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। मुझे महसूस होता है कि गुरु साहब की मुझ पर विशेष कृपा रही, जो उन्होंने मुझे हमेशा अपने कार्यों में बहुत करीब से जोड़ा है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि कच्छ में एक गुरुद्वारा है, लखपत गुरुद्वारा साहब। श्री गुरु नानक जी अपनी उदासी के दौरान लखपत गुरुद्वारा साहिब में रुके थे। 2001 के भूकंप से इस गुरुद्वारे को भी नुकसान पहुंचा था। यह गुरु साहिब की कृपा ही थी कि मैं इसका जीर्णोद्धार सुनिश्चित कर पाया। न केवल गुरुद्वारा की मरम्मत की गई बल्कि उसके गौरव और भव्यता को भी फिर से स्थापित किया गया। हम सबको गुरु साहब का भरपूर आशीर्वाद भी मिला। लखपत गुरुद्वारा के संरक्षण के प्रयासों को 2004 में यूनेस्को
एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड में अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया। अवार्ड देने वाली जूरी ने यह पाया कि मरम्मत के दौरान शिल्प से जुड़ी बारीकियों का विशेष ध्यान रखा गया। जूरी ने यह भी नोट किया कि गुरुद्वारा के पुनर्निर्माण कार्य में सिख समुदाय की न केवल सक्रिय भागीदार रही बल्कि उनके ही मार्गदर्शन में यह काम हुआ। भारतीय भावनाएं भी हो तभी एक युवा देश का और बेहतर नागरिक बन पाता है। श्री अरबिंदो ने राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर जो बात तब कही थी, जो अपेक्षा की थी, आज देश उसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए पूरा कर रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भोईजी ने नए कृषि कानूनों का इस्तेमाल कैसे किया, ये आपको भी जानना चाहिए। जितेंद्र भोईजी ने मक्के की खेती की थी और सही दामों के लिए उसे व्यापारियों को बेचना तय किया। फसल की कुल कीमत तय हुई करीब 3,32,000 रुपये। जितेंद्र भोई को 25,000 रुपये एडवांस भी मिल गए थे। तय ये हुआ था कि बाकी का पैसा उन्हें 15 दिन में चुका दिया जाएगा, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें बाकी का पेमेंट नहीं मिला। किसान से फसल खरीद लो, महीनों महीनों पेमेंट न करो। संभवतः मक्का खरीदने वाले बरसों से चली आ रही उसी परंपरा को निभा रहे थे। इसी तरह 4 महीने तक जितेंद्र जी का पेमेंट नहीं हुआ। इस स्थिति में उनकी मदद की सितंबर में जो पास हुए हैं, जो नए कृषि कानून बने हैं, वो उनके काम आए। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। अब जब ऐसे कानून की ताकत हमारे किसान भाई के पास थी तो उनकी समस्या का समाधान तो होना ही था। उन्होंने शिकायत की और चंद ही दिन में उनका बकाया चुका दिया गया। यानी कि कानून की सही और पूरी जानकारी ही जितेंद्र जी की ताकत बनी। क्षेत्र कोई भी हो, हर तरह के भ्रम और अफवाहों से दूर सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संबल होती है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने का ऐसा ही एक काम कर रहे हैं राजस्थान के 12 जिले में रहने वाले के सीईओ भी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, किसान उत्पादक संघ के सीईओ। उम्मीद है बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अब देश के दूर दराज वाले इलाकों में काम कर रहे किसान संगठनों में भी सीईओज होने लगे हैं। तो साथियों, मोहम्मद असलम जी ने अपने क्षेत्र के अनेकों किसानों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। इस ग्रुप पर वो हर रोज आसपास की मंडियों में क्या भाव चल रहा है इसकी जानकारी किसानों को देते हैं। खुद उनका एफपीओ भी किसानों से फसल खरीदता है, इसलिए उनके इस प्रयास से किसानों को निर्णय लेने में मदद मिलती है। साथियों, जागरूकता है तो जीवंतता है। अपनी जागरूकता से
हजारों लोगों का जीवन प्रभावित करने वाले एक कृषि उद्यमी श्री वीरेंद्र यादव जी हैं। वीरेंद्र यादव जी कभी ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे, 2 साल पहले ही वो भारत आए और अब हरियाणा के कैथल में रहते हैं। दूसरे लोगों की तरह ही खेती में पराली उनके सामने भी एक बड़ी समस्या थी। इसके सॉल्यूशन के लिए बहुत व्यापक स्तर पर काम हो रहा है, लेकिन आज मन की बात में मैं वीरेंद्र जी को विशेष तौर पर जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके प्रयास अलग है, एक नई दिशा दिखाते हैं। पराली का समाधान करने के लिए वीरेंद्र जी ने पुआल की गांठ बनाने वाली स्ट्रॉ बेलर मशीन खरीदी।